नमस्कार मित्रों, ट्रिबल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, धारा एक सूत्र से हम इसकी डिफिनेशन को परिभाषित कर सकते हैं करंट को, क्योंकि हमें पता होता है करंट आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू जो होता है, ये क्यू है, इसको मैं बोलता हूँ चार्ज और इसको मैं बोलता हूँ टाइम, ठीक ना। और जो ये है इसी को हम बोलते हैं करंट। तो देखिए, अगर हम धारा की परिभाषा दें तो धारा की परिभाषा है कि आवेश प्रवाह, मीन्स ये जो चार्ज है इसी को आवेश बोलते हैं। तो आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी निश्चित समय में किए गए आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं, किसी निश्चित समय में आवेश में हुए प्रवाह को धारा कहते हैं, या फिर आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। तो ये डिफिनेशन थी धारा की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं धारा के प्रकार कितने होते हैं। धारा बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। तो डीसी और एसी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस अंतर इतना सा है कि जो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है परिवर्तित करना बार बार। तो हम डीसी की अगर इस ग्राफ के माध्यम से देखिए, हमने यहाँ पे एसी का ग्राफ बना के रखा है और यहाँ पे डीसी का ग्राफ बना के रखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो डीसी का ग्राफ है वो स्ट्रेट है, मीन्स डायरेक्ट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सीधी क्या हो रही है, डायरेक्ट ऐसे चल रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि एसी जो करंट है उसमें वेरिएशन हो रहा है, मीन्स वो बार बार क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। तो यदि हम इनकी डिफिनेशन दें डीसी और एसी की, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी करंट जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो एक सीधी रेखा में गति करे, स्ट्रेट लाइन में गति करती है, तो उसे हम डीसी करंट कहते हैं। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट एसी करंट। ऐसी करंट जो अपना मान समय के साथ बार बार परिवर्तित करे, मीन्स कभी धनात्मक चक्र ले, कभी ऋणात्मक, फिर धनात्मक, ऋणात्मक, ऐसे गति करते हैं, तो उसे हम एसी करंट कहते हैं। और जो एसी करंट होती है वो वेव नेचर में होती है, वेव नेचर का मतलब वो तरंगों के रूप में चलती है। और जबकि जो डीसी करंट होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, मीन्स वो तरंग के रूप में नहीं चलती। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी बच्चों से कि बताओ एसी करंट में आवृत्ति पाई जाती है, सॉरी डीसी में पाई जाती है कि एसी में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आवृत्ति पाई जाती है, आवृत्ति का तात्पर्य फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ एसी में होता है, और ये जो ये वेरिएशन करता है, इसीलिए एसी करंट झटका भी मारता है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग घरों में जब करंट मारता है तो हमें झंझनाहट सी होता है, तो जो झंझनाहट होता है ना, ये आवृत्ति के कारण ही होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा में ऐसे करंट ऐसे वेरिएबल चलते रहते हैं, इन्हीं के कारण ये इसमें झटका उत्पन्न होता है। जबकि डीसी में हम टच कर लेते हैं बैटरी को, उसमें झटका फीलिंग नहीं होता। तो ये था एसी और डीसी के कुछ डिफिनेशन और करंट के प्रकार। अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए, इसका भी काम होता है कि किसी बल्ब को जलाना, किसी फैन को चलाना, और इसका भी काम होता है बल्ब फैन को चलाना। बट देखो, ये जो डीसी करंट होते हैं, डीसी करंट बेसिकली हम लोग देते हैं बैटरी या फिर सेल्स में पाए जाते हैं। जो सेल होते हैं, बैटरी होती है, उसमें हम डीसी करंट को देखते हैं। और जो हमारे घरों में बिजली आती है, जो भी पावर प्लांटों से, पावर हाउसों से जो बिजली जनरेट की जाती है, वो बिजली होती है एसी। तो एसी में आवृत्ति पाई जाती है। और आपसे कोई पूछे कि जो इंडिया में एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति, तो वो होती है 50 हर्ट्ज। तो जो हमारे इंडिया में बिजली जनरेट की जा रही है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। और ये जो हमारे घरों में लाइट आती है, लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि जो घरों में लाइट आती है वो एसी है कि डीसी है, बैटरी में कौन सी करंट होती है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बैटरी जो होती है, बैटरी में एसी करंट, सॉरी डीसी होती है, और जो घरों में हमारे सप्लाई आती है उसमें एसी करंट होती है। तो करंट से संबंधित हम इतना ही बात करेंगे, और इसमें कुछ इसके मात्रक होते हैं और भी इस पर डिपेंड होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे
एक फार्मूला हमने लिख के रखा है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, जहां पे क्यू क्या है, चार्ज है, आवेश है, और टी क्या है, टाइम है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है, टी का मात्रक होता है सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जो धारा है, धारा का मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड। या फिर एक हम ज्यादातर बोलचाल में बोलते हैं, एक भाषा है जिसका नाम है एम्पियर। तो बेसिकली हम लोग धारा का जो मात्रक बोलते हैं वो एम्पियर ही बोलते हैं, और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, मीन्स कैपिटल ए से। तो धारा के दो मात्रक होते हैं, एक होता है कूलाम बटे सेकंड और दूसरा होता है एम्पियर। तो करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको हमने डिस्कस किया कि आवृत्ति किसमें नहीं पाई जाती, किसमें आवृत्ति पाई जाती। तो आवृत्ति सिर्फ एसी में पाई जाती है और डीसी में नहीं पाई जाती। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झटका कौन सी करंट मारती है, तो झटका एसी मारती ना कि डीसी मारती है। डीसी करंट को हम बैटरी में प्राप्त करते हैं, और एसी करंट को जो हमारे घरों में बिजली आती है, जो पावर प्लांट में जनरेट होती, वहां वाली करंट जो होती है एसी होती है। और इंडिया में जो एसी का जनरेशन होता है, मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी का जो जनरेशन होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। तो आई होप आपको ये जो भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो भी हमने पूरा डिस्कस किया है, और इसके यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम बटे सेकंड, या फिर अधिक बोलचाल में हम लोग एम्पियर बोलते हैं, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।